गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड हाँ जी, इवनिंग स्क्रीन मैम। विजिबल है सब लोगों को? गुड इवनिंग। यस मैम। ओके, हाँ जी, किसी ने गुड इवनिंग करी थी पहले, उनको कुछ कहना है या जस्ट ग्रीट ही कर रहे थे? ओके, मैम वैसे ही बोल रहा है गुड इवनिंग। चलो ठीक है, बस 2 3 मिनट, 2 ही मिनट देख लेते हैं जो भी ज्वाइन कर रहा है। वैसे तो टाइम हो गया है, हमें एग्जाम्पल्स करने हैं आज, ठीक है? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के कल जितने रूल्स किए थे वो सारे याद है सबको? यस मैम। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाली हूँ, आपने मुझे उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम बताना है कि क्या होगा, ठीक है? करेंगे सब लोग, लेकिन मैं जिससे पूछूंगी, जिसका नाम मैं यहाँ पे बोलूंगी, वही मुझे बताएगा उसका जो भी आंसर है। ओके, चलो एग्जाम्पल्स आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2, CH3 एंड हियर CH2, CH2 एंड CH3। फर्स्ट एग्जाम्पल है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम लोग कर रहे हैं, जिसके रूल्स हमने कल पढ़े थे। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप हमारे क्या था, हाइड्रोकार्बन था, और टाइप के हाइड्रोकार्बन थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इसमें कोई भी हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, जितने भी यहाँ पे बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, सैचुरेटेड हैं। मैम ब्लर दिख रही है स्क्रीन। एक्सक्यूज मैम। अच्छा ठीक है, ब्लर का सबको ही आ रहा है क्या इशू? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। और ओके, आवाज भी बीच में कट हो रही है मैम। हाँ ठीक है, 1 मिनट वेट करो, मैं देखती हूँ वाईफाई का कैसे इशू है। तो वाईफाई तो ठीक है यहाँ पे, यस मैम अब ठीक है। यस अभी ठीक है? मैम। ओके ओके ओके, चलिए। तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि मैं अभी एग्जांपल्स करवाने वाली हूँ आपको, जो आपने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के कल रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को याद करो, कौन कौन से रूल्स थे। और ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे रखा गया है, इसका नाम डिसाइड करो कि आईयूपैक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, और फिर मैं जिससे पूछूंगी वही मुझे बताएगा कि आपने इसका क्या नाम रखा है, ठीक है? रखना आईयूपैक के अकॉर्डिंग ही है, अपनी मर्जी से नहीं रखना है। चलिए, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें, इजिली है, मतलब इजिली हो सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पे करेंगे कौन? मंजू ठाकुर। मैम 3 इथाइल हेक्सेन। 3-इथाइल हेक्सेन।
क्या कोई है क्लास में ऐसा जिसका इसके अलावा कोई और नाम आ रहा है? नो मैम, यही है, यस यही आ रहा है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका थ्री इथाइल हेक्सेन के अलावा कोई और ऐसा लग रहा हो कि इसका नाम होना चाहिए? मैम फोर होगा शायद, इथाइल हेक्सेन, फोर इथाइल होगा मैम, फोर फोर इथाइल इथाइल हेक्सेन, जी ठीक मैम, है, ओके, थ्री आएगा मैम, थ्री इथाइल थ्री हेक्सेन ही आएगा। आएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी ऑप्शंस आपने मुझे दिए हैं मैंने दोनों ऑप्शन लिख लिए हैं, कुछ को लगता है थ्री होना चाहिए, कुछ को लगता है फोर होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि इसका नाम एक्चुअली होगा क्या। पहली बात हमें चूज करनी थी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो लाइक 1 2 3 4 5 जो मुझे स्ट्रेट चेन दिख रही थी उस स्ट्रेट चेन में मेरे पास कितने एटम्स हैं? अगर मैं इस चेन को इंक्लूड करती हूँ तो 5 कार्बन एटम्स है, ठीक है। बट अगर मैं 4 5 इस तरफ ना जाते हुए इस तरफ मूव कर जाऊं 4 5 6, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूस चेन चाहिए होती है, तो इस तरीके से मुझे 6 एटम्स मिल रहे हैं। इट मीन्स मुझे स्ट्रेट नहीं जाना है, मुझे नीचे की तरफ को जाना है, क्योंकि ज्यादा कार्बन एटम जो है वो हमारे पास इस पे आएंगे। अच्छा, ज्योति का आंसर है 3-propyl-hexane, ठीक है। चलो एक और ऑप्शन बना दो, ABCD हो जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी मैम, जिसने 3-propyl-hexane बोला है ना तो वो गलत है, 3-propyl-hexane नहीं होगा, पेंटेन होगा फिर वो। हाँ चलो ठीक है, वो सब सबके बारे में बताते हैं, ओके, कि किसका क्या होना चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन नाउ, ठीक है। अब देखो आपके पास यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने बोला कि 6 कार्बन एटम्स जो है वो लॉन्गेस्ट कार्बन है 5 के कंपैरिजन में, तो ये कंफर्म हो गया कि 6 ही लेने हैं हमने, तो 6 के लिए हमारे पास हेक्स वर्ड ही आएगा, पेंट नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए एन आएगा, तो ये भी क्लियर है कि हेक्सेन आएगा। सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था कि जिन कार्बन एटम्स को हमने चेन में इंक्लूड नहीं किया है वो होंगे एज सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए मेरे पास अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर काउंट करूं तो मुझे ये मिलेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बट अगर ऐसे ना लेके सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लेती हूँ CH3 CH2 CH CH2 CH3, जो कुछ बच्चों ने किया भी है, और वो क्या था, वो कुछ इस तरीके से था कि इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे हमारे पास यहाँ पे नहीं, जिन्होंने ये 4 बोला है, 4 कहाँ से करा है, 1 2 3, अच्छा ठीक है यहां से किया है, 1 2 3 4 5 6, कुछ लोगों ने इस तरीके से नंबरिंग करने की कोशिश की है, जिनको 4 पे लग रहा है ना कि 4 पे हमें इथाइल मिल रहा है उन्होंने यहां से नंबरिंग की है इस एंड से, जिनको लग रहा है 3 पे इथाइल आ रहा है उन्होंने इस एंड से नंबरिंग की है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम किसी भी एंड से नंबरिंग कर सकते हैं, बट ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो उसको लोअर नंबर मिले, छोटे से छोटा नंबर मिले। और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हो तो आपको 4 पे इथाइल मिल रहा है अगर यहां से आपने नंबरिंग शुरू की तो, और अगर यहां से नंबरिंग शुरू कर रहे हो तो आपको 3 पे इथाइल मिल रहा है। तो 3 और 4 में सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर किस में मिला, 3 में, इट मींस हाँ 4 नहीं होगा। प्रोपाइल तो ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे, जिस हिसाब से आप ले रहे हो वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। सो इट्स करेक्ट नेम इज 3-ethylhexane, क्योंकि CH2 CH3 है, 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाला हमारे पास होता है ईथ, और जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेते हैं तो उसके लिए हम टर्म बाद में क्या लगाते हैं, YL, दैट्स वाई इस ग्रुप को हम बोलेंगे इथाइल, कौन सी पोजिशन पे है, 3 पे। सो 3 इथाइल एंड जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 एटम्स, इसलिए हेक्सेन। अब जिन्होंने ये बाकी का आंसर दिया था इसके अलावा, या किसी का कुछ और भी बन रहा था और कोई डाउट है तो क्लियर कर दो, अदरवाइज करेक्ट आंसर इसका 3-ethylhexane है। नहीं है कोई भी डाउट? हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेरे को एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने इसको इथाइल लिखा है ना, इथाइल, हाँ जी, तो अगर जैसे कोई 3-ethane-hexane लिखता है तो वो गलत होगा ना? गलत है, बिकॉज जब हमारे इथाइल का, इथाइल का वो बता दो मुझे आपने, वो इथाइल क्यों लिखना और कब लिखना है? हाँ देखो, अगर आपके पास मेरे सिस्टम में ऐसा है कि मैं CH3 CH3 ऐसे कंपाउंड लिखती हूँ, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे,
इथेन, क्या नाम? इथेन, इथेन, इथेन दो कार्बन है, यस मैम, क्या बोलोगे? इथेन, इथेन, हाँ। तो एन तब आया जब इसको पेरेंट चेन में या जो रूट चेन है उसमें लिया गया। जब कार्बन्स को हम इन रूट चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो उसमें इंक्लूड होते हैं तो उसमें एन लगता है। बट जब हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों कार्बन्स को जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन थी उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अगर उसको इंक्लूड नहीं करते तो उस केस में वो यूज होते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा जिसको लॉन्गेस्ट चेन में नहीं लिया है तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम हमेशा उसके एंड में YL लगाएंगे। ओके मैम, हाँ जी मैम, आपकी साइड से सिग्नल बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा मैम, जैसे हम मिथाइल लिखते हैं ना तो उसमें तो एक एटम कम नहीं हो जाता, जैसे CH3 को ही बोलेंगे मिथाइल ग्रुप, या जैसे इथाइल है तो उसमें भी CH2CH3, तो मैम CH3 को क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, पूछो। मिथाइल ग्रुप, जैसे मिथाइल बोलेंगे हम, जैसे मिथेन हो गया ना मैम CH4, तो मिथाइल हुआ CH3, एक एटम उसमें कम हो गया। बिल्कुल ठीक है, हाँ। ये CH4 अगर आपने लिखा है तो ये आपके पास मिथेन है, अगर इसमें से एक कार्बन कम हो गया CH3 बन गया तो आपने इसको मिथाइल लिखा, ठीक है। आगे पर मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें इथाइल कैसे बना, इसमें एक एच एटम नहीं कम लग रहा मुझे। अरे यहाँ पे देखो, अगर आपने इथेन लिखा तो इथेन क्या था आपके पास? CH3 CH3, कितने कार्बन थे? C2H6। और यहाँ पे इसको पढ़ो, ये क्या है? C2H कितने है? यस मैम, कितने? फाइव है। क्लियर है? यस मैम, हाँ कम है, ठीक है। आप मिथाइल के साथ मत कंपेयर करो ना, मिथेन का कंपैरिजन मिथाइल के साथ, इथेन का कंपैरिजन इथाइल के साथ। ओके यस हाँ जी, और किसी को कुछ भी पूछना है यहाँ तक? ओके नहीं है, चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल नोट करो और उसका फिर मुझे सही सही आंसर बताना। कोशिश करना कि सब लोग एक ही आंसर दें और सही आंसर दे, ऐसे नहीं कि एक आंसर करने के पीछे गलत दे दो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए CH3 CH CH3 CH2 and then CH3 CH3 CH3। टेक योर टाइम और बताओ, जिसका भी हो जाता है वो बता दे, लेकिन कोशिश करना सही बताए। ओके, पूजा ने हैंड रेज किया है, आपका हो क्या है क्या? यस डन। ओके बताइए क्या है आंसर आपका? नो मैम, भी वैसे रेज हैंड था। अच्छा वैसे हो गया था, ओके। अच्छा किसी और का अगर हुआ है तो वो बता सकते हैं। मैम ट्राई मिथाइल पेंटेन 2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओके आंसर 2-4 2-4-4 डाइमिथाइल पेंटेन भी किया है जोरी ने, चलो चेक कर लेते हैं 2-4-4 आएगा या 2-4 आएगा। देखो ट्राइमिथाइल पेंटेन, ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओके अगर आपका यही आंसर है जो मैंने एक बार बोर्ड पे लिख दिया है तो उसके लिए फिर आप रिपीट ना करें, अगर डिफरेंट आंसर है तो मेरे को डेफिनेटली बता दे, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपने, थोड़ा सा बैकग्राउंड वरना वो रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है। यहाँ पे हमें क्या करना था, सबसे पहले वही बात आ गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन हमें चूज करनी थी। तो अगर मैं इस तरीके से चूज करती हूँ तो यस मुझे 1 2 3 4 5 पांच कार्बन मिल रहे थे, 1 2 3 4 इस तरफ को जाऊंगी तब 5 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 इस तरफ को जाऊंगी तो 5 मिल रहे हैं। लाइक 5 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 से कम हो सकते हैं, तो हमने 5 ही मैक्स यहाँ पे मान के चलना है कि मेरे पास 5 है। अब क्वेश्चन फिर वही बनता है कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं या नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं। दो एंड्स है मेरे पास, तो नंबरिंग मेरी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं,
अब आप सब्स्टिट्यूएंट्स किसको बोलते हैं, जिसको ये डाउट था ना कि हम कब उसको इथाइल कह रहे हैं, कब इथेन, एन और वाइल कब ले रहे हैं हम। तो देखो आपने ये जो बॉक्स बनाया ये क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये तो इंक्लूड हो गई है हमारे पास पेरेंट चेन में। अब जो नहीं इंक्लूड हुए वो वर्क करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, इनकी पोजीशन हमें ऐसे बतानी है कि उसको लोअर नंबर मिले। अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करती हूं तो मेरे पास होगा 1, 2, 3, 4 and 5, तो मेरे पास मिथाइल आएगा सेकंड पे और बाकी आएगा 4 पे एक भी, 4 पे दूसरा भी। कल बताया था मैंने कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर एक कार्बन पे है तब हमें जरूर तब भी बताना पड़ेगा कि दो प्रेजेंट है, तो 2, 2 लिखना पड़ेगा, 3, 3 भी लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट आए सेकंड पे, देन 4, 4 पे। बट अगर मैं इस तरफ से शुरू करती हूँ तो यह 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2, 2 and 4, 2, 2 पे प्रेजेंट है, 1, 4 पे प्रेजेंट है। तो दोनों को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो लोएस्ट नंबर ज्यादा किस में आ रहे हैं, 2, 2, 4 में, क्योंकि इसमें 4, 4 दो बार आ रहा है और वो हायर नंबर है कंपैरेटिव टू दिस। इट मींस हम इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे, हमारे पास नंबरिंग इस तरफ से शुरू होगी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो सेकंड पे मेरे पास 2 मिथाइल है और फोर्थ पे मेरे पास 1 मिथाइल है, मींस ओवरऑल 3 मिथाइल प्रेजेंट है। तो पहले आप पोजीशन मेंशन कर दो, 2, 2, 4 और टोटल कितने मिथाइल है, 3 मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन में कितने एटम है, 5, और सारे सिंगल हैं इसलिए एन। सो दिस इज करेक्ट आंसर, 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। जब हमारे पास सारे मिथाइल ही प्रेजेंट है अलग अलग पोजीशन पे तो हम एक साथ लिख देते हैं कि 3 है 4 है 5 है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पोजीशन मेंशन की होती है तो पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है ये बात सबको? यस मैम। ओके, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट कीजिए और उसका नाम बताइएगा मुझे। देखो सबसे बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, सबसे सिंपलेस्ट से, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH3 and CH3। अटेम्प्ट जरूर करो, जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है इस नॉमनक्लेचर में या थोड़ी भी कोई कंफ्यूजन होती है या मुश्किल लगता है, अटेम्प्ट जरूर करो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा ना, लेकिन अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, शुक्र मनाओ कि आप ये गलती एग्जाम में नहीं कर रहे हो, अभी क्लास में कर रहे हो या असाइनमेंट या क्वेश्चन करते हुए कर रहे हो, ताकि इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो अटेम्प्ट करो, गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कभी तो ठीक होगा, बट करो जरूर, ठीक है। ऐसे सिर्फ उतारने वाला काम मत करना, क्योंकि कुछ जो नहीं बोल रहे हैं या मतलब इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सिर्फ वेट करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है और कॉपी में लिख लो, वो सीखना नहीं है, इसलिए सब लोग करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन, हाँ जी, 2, 3 डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल पेंटेन 3 इथाइल हेक्सेन 2, 3 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब अगर किसी भी स्टूडेंट का इसके अलावा कोई डिफरेंट नाम है तो ही बताना मुझे। 3 इथाइल 2, 3 डाइमिथाइल 3 इथाइल 2, 3 डाइमिथाइल 3 इथाइल हाँ, पेंटेन। अगर इन दोनों नाम के अलावा कोई नाम आपके पास और है तो वो बताना, अदरवाइज कोई मत बोलना। टू थ्री डाइमिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। अच्छा, 3 इथाइल पेंटेन,
यस मैम, ये चलो काफी, हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं, काफी इतना टाइम इसके नोमेनक्लेचर के लिए। अब आप सुनिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे बात यही आ रही है, माइक ऑन है किसी का, प्लीज ऑफ कर लीजिए, अगर यही बात आ रही है कि मुझे लॉन्गेस्ट देखनी है, तो मैं सपोज यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ, तो 1 2 3 4 5 स्ट्रेट जाती हूँ तो 5 मिलेंगे मैक्सिमम। 1 2 3 अगर मान लो इस तरफ को मुड़ गई, 4, 1 2 3 4 यहाँ पे चलेगी, 5, 1 2 3 4 5। तो आप कैसे भी जाके देख लो, आपको 5 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन नहीं मिलेगी, 5 से कम ही मिलेगी। इट मीन्स हेक्सेन तो नहीं होगा, हेक्सेन नहीं होगा। मैक्सिमम जो आपको चेन मिल रही है वो चाहे ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे घूम के जाओ, आपको 5 ही मिल रहे हैं मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस चेन में। और अगर 5 मिल रहे हैं तो पेंटेन वर्ड आएगा। अब क्वेश्चन फिर वही हमारे पास उठता है कि हम किस तरीके से नंबरिंग करें कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको लोअर नंबर मिले। तो सपोज मैंने ये लॉन्गेस्ट चेन अगर ये चूज करी, तो मेरे पास क्या होगा, जो इथाइल है ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, और मिथाइल जो है दोनों ये सब्स्टिट्यूएंट है, और CH2CH3 क्या होता है, इथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन में कवर नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 1 2 3 3 पे मेरे पास आएगा, फिर 4 पे आएगा, तो इस तरफ से शुरू करने पे 3 और 4 पे आ रहे हैं, मतलब 3 3 एंड 4। और यहां से नंबरिंग शुरू करूं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो मुझे एक 2 पे मिल रहा है और दूसरा 3 3 पे मिल रहा है, तो लोएस्ट वाला कौन है, 2 3 3 2 3 3। हाँ, कि एक 2 पे है और बाकी 2 3 3 पे है, इसमें 4 आ गया ना, तो ये तो हायर नंबर चला गया, तो हम इस तरफ से नहीं शुरू करेंगे, हम इस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे। और नंबरिंग में ये हमेशा ध्यान रखा जाता है, अगर आप कोई दूसरी चेन भी चूज करते हो तो उसमें 2 और 3 से लोअर नहीं आएगा, 2 और 3 से ऊपर ही आएगा, इसलिए हमने इसको चूज किया। अब अगर मेरे पास 5 है तो पेंट वर्ड आएगा, और अगर सारे सिंगल बोर्ड है तो एन आएगा, तो पेंटेन का तो ठीक है, लेकिन सेकंड पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सेकंड प्रेजेंट है मिथाइल, थर्ड, हाँ थर्ड पे प्रेजेंट है मिथाइल भी और इथाइल भी, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास यहाँ पे इथाइल भी है और मिथाइल भी है, ये अलग बात है कि इथाइल जो है वो थर्ड पोजीशन पे है हमारे पास, और मिथाइल जो है वो 2 पे भी है और 3 पे भी है, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। इट मींस मेरे को यहाँ पे मिथाइल के आगे लिखना पड़ेगा डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल और 3 इथाइल, इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे वही बात आ जाएगी, जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको टाइम दिया जाता है, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपके पास टाइम होता है आंसर के लिए। इफ आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि तब आप इंटरप्ट ना करो, बिकॉज ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिकॉर्डिंग से भी पढ़ रहे होते हैं, तो उनको फिर वो डिस्टर्बेंस फील होती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट फॉर दैट। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, बट वो स्टूडेंट्स के लिए फिर दिक्कत हो जाती है और उनको ऐसा लगता है कि हम फिर पढ़ नहीं पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, 3 इथाइल और 2 3 डाई मिथाइल का कंपैरिजन करना है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई और एम का कंपैरिजन होगा। मैंने बताया था कल, जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो डाई ट्राई को हम इग्नोर करते हैं, तो ई और एम में कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा, इट मींस इथाइल वाले को हमने पहले लिखना है, और इथाइल कहाँ प्रेजेंट है, 3 पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसका जो करेक्ट नेम होगा वो हमारे पास ये होगा, 3 इथाइल 2 3 डायमिथाइल पेंटेन, ये नहीं। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछो। एक्सक्यूज मी मैम, नो मैम, जैसे आपने काउंट किया ऊपर वाली साइड का जैसे इथाइल ग्रुप था, हाँ, आपने इसको भी काउंट किया, तो हम विदाउट बॉन्ड वाले भी काउंट कर सकते हैं, मतलब जैसे इनके बीच वो नहीं है, बॉन्ड नहीं है। जी मैम, नहीं नहीं, वो बस मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, बॉन्ड तो है, रिप्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग होते हैं ना, कई बार हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड नोटेशंस जिनको बोलते हैं, तो ये तो बस मैंने सिंपल ऐसे लिख दिया था, बॉन्ड था इसके बीच में भी। ओके,
मैम इसका नेम फिर चेंज नहीं हो जाता? एक मिनट आप चेक करोगे इसको फिर से? हाँ, नेम चेक करो, क्या चेंज, क्या करूं, कहां से नंबरिंग करनी है मुझे ये बताओ। अगर मैम जैसे स्टार्टिंग से आगे से लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 या राइट साइड से, जो भी आप करो, एक मिनट मैम। जैसे मैंने करी है ऐसे नहीं करके कोई डिफरेंट वे में करनी है, मतलब मुझे ये बताओ कि आप जो ये 1 2 3 4 के लिए कह रहे हो इसके लिए आपको डिफरेंट करना है, यहाँ से करनी है, यहाँ से कहीं और से करनी है, मतलब मैम आप अपनी वाली साइड से चेक करो 1 2 3 4 5 देन आगे वाला तो चेंज नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 ये आएगा ना? जी मैम। हाँ 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ठीक है। तो अब आपके पास 3 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल है, लेकिन जो दूसरा मिथाइल है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? फिर 4 पे। yes, तो अगर 3 पे 2 मिल रहे हैं लेकिन आगे वाला 4 पे मिल रहा है तो 4 तो बड़ा नंबर हो गया ना, हमारी कोशिश होती है कि छोटे से छोटे नंबर्स दिए जाए। तो 3 और 4 वाला सेट है एक हमारे पास, और दूसरा सेट है 2 और 3 वाला, तो हम 2 और 3 वाले को ही चूज करेंगे क्योंकि उसमें लोअर नंबर्स। ओके मैम। हाँ जी, और किसी को कुछ भी पूछना है इस एग्जाम्पल में? नहीं, चलिए ठीक है। तो यही हमारे पास बेसिक रूल्स हैं जो आप फॉलो करोगे अगर हाइड्रोकार्बन्स में आपको नोमेनक्लेचर करना है तो। बाकी मैं प्रैक्टिस शीट जरूर आपको प्रोवाइड करूंगी, अगर आज पॉसिबल हो गया आज दे दूंगी, अदरवाइज कल मॉर्निंग तक भी दे सकती हूँ। तो वो प्रैक्टिस शीट आपने जरूर ट्राई करनी है, और फिर डाउट्स अगर आते हैं स्टिल तो मेरे से डिस्कस जरूर कर लेते हैं। अब ना एक नोट डाल लो अलग से, फिर हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए पढ़ लेते हैं। और ये नोट क्या है कि जब हमारे पास ना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये सिर्फ आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अगर आप कभी इस टाइप का देखो लिखा हुआ तो आपको पता रहे कि ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल मेरे पास है कुछ इस तरीके से, CH3 CH2। जैसे आप जब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हो ना, तो सब्स्टिट्यूएंट्स में आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास मान लो एक कार्बन है मिथाइल बोल दिया, दो कार्बन है इथाइल बोल दिया, 3 कार्बन है प्रोपाइल बोल दिया, 4 कार्बन है ब्यूटाइल बोल दिया, 5 कार्बन है पेंटाइल बोल दिया, इतना ठीक है अगर सिंगल चेन में आपके पास जा रहा है। बट अगर आपके पास कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए जिसमें आगे और सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 टोटल देखो तो 5 कार्बन है, बट मैं इसको पेंटेन नहीं बोल सकती क्योंकि 5 कार्बन एक लाइन में नहीं है, टोटल इसमें क्या 5 कार्बन, लेकिन 5 कार्बन एक लाइन में नहीं है तो मैं इसको पेंटेन नहीं बोल सकती। तो ऐसे भी मेरे पास कंपाउंड होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए मुझे अलग से नाम करना पड़ता है। वही रूल रहेगा कि पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढो, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढती हूँ तो मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं सीधा चलती हूँ तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इस तरफ को कहीं को भी मुड़ती हूँ तो 8 आ रहा है, मतलब सिंपल है कि मुझे स्ट्रेट ही चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास होगा। और अगर मैं दूसरी तरफ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 4 5, तब भी ये सब्स्टिट्यूएंट 5 पे आएगा, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 1 2 3 यहां से करो या 1 2 3 यहां से करो, क्योंकि दोनों ही तरीके से यहाँ पे आपके पास 5th पोजीशन पे ही ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इसका नाम कैसे आएगा, इसका नाम कुछ इस तरीके से आएगा, देखो 5, पहले मैं नाम लिख रही हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, 5 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज नो नेम, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखना, कुछ भी गलत मत उतारना, 5 देन ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नो नेम। अब आप सोचोगे कि इसमें ये इतना सारा क्या हुआ,
कुछ नहीं हुआ। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब जिसका खुद का ही एक अलग नाम चल रहा है, अलग रूल्स चल रहे हैं जिसके लिए, उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और बाकी जो मेरे पास सिस्टम है उसको ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। तो जब मुझे इसका नाम करना होगा तो इसके लिए भी मुझे वही रूल्स फॉलो करने हैं। पहले तो देखो जहां पे ये जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मैं बोलूंगी फर्स्ट, उसके आगे सेकेंड, उसके आगे थर्ड। और यहाँ पे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लॉन्गेस्ट चेन ढूंढूं। तो मैं इस सिस्टम में क्या ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पे भी मिथाइल है और सेकंड पे भी मिथाइल है? तो वन टू डायमिथाइल, और क्योंकि टोटल कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन जो इस सब्स्टिट्यूएंट में पॉसिबल था वो थ्री है, तो प्रोपाइल। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ मिथाइल के लिए भी YL है, प्रोपाइल के लिए भी YL है, बिकॉज मिथाइल इसका सब्स्टिट्यूएंट है और ये सारा इसका सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं? YL। जो एन इन आयन है वो लॉन्गेस्ट चेन के लिए ही लगेगा हमेशा। तो मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था इसका खुद का एक नाम था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था, पहले देखो लॉन्गेस्ट चेन मींस तीन कार्बन एटम लेंगे तो प्रोप वर्ड आएगा, सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए YL आएगा, और फर्स्ट पे भी मिथाइल है, सेकंड पे भी मिथाइल है, तो इसका नाम आया 1,2 डायमिथाइल प्रोपाइल, 1,2 डायमिथाइल प्रोपाइल। और जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर अलग ही लिखते हैं, ठीक है? तो इसका नाम हमारे पास बना, ये रूल्स वही है, बट अगर कभी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, माइक ऑन है किसी का इसलिए वॉइस रिपीट हो रही है, तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको ब्रैकेट के अंदर अलग से लिखा जाता है, सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको कहीं पे ऐसा पढ़ने को मिले तो समझ जाना कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और उस सब्स्टिट्यूएंट में भी नॉमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो किया गया है। ओके मैम, एक क्वेश्चन है। हां जी बोलिए। जो कार्बन वन पे, जो मतलब जिस कार्बन में आपने नंबर वन दिया है ना, तो उसके साथ वाला कार्बन है वो एक सब्स्टिट्यूएंट आप बोल रहे हो? हाँ, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ से नंबर वन स्टार्ट करे चेन का तो फिर वो चार कार्बन की चेन बन जाएगी। हाँ, लेकिन हम इसको वन नहीं बोल सकते क्योंकि ये नहीं जुड़ा हुआ ना इसके साथ। अच्छा मैम, वो वाला नंबर वन लेना जो जुड़ा होगा, जो जुड़ा हुआ है, जो डायरेक्ट जुड़ा होगा है सब्स्टिट्यूएंट, वही फर्स्ट कार्बन। ठीक है। हाँ जी, और ये सिक्स नंबर का जो कार्बन है, नंबर सिक्स, इससे H3 आएगा? टू है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, अब बात करते हैं हम ऐसे सिस्टम्स की जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसमें नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो सेकंड केस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम करेंगे सेकंड केस जिसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में है, आप लिखेंगे विच कंसिस्ट, केस टू है ये, केस वन हो गया हमारे पास, अब केस टू है, विच कंसिस्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब उन सिस्टम्स में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है? रूल्स है इसके भी, रूल्स को आप पहले लिख लीजिए उसके बाद हम एग्जांपल्स पे आएंगे। फर्स्ट रूल आप यहां पे लिखिएगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड।
विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब है हमारे पास यहाँ पे, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल. साथ में एक बात जरूर लिख लीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी स्टेप के लिए, कि सिलेक्टेड चेन में और मे नॉट बी द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन, बट इट मस्ट इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड्स. इट मस्ट इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड्स. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब आपको इस एग्जांपल के थ्रू में लिख रहे हैं. नहीं, ये नहीं मिटा रही हूँ मैं, रूल्स नहीं मिटा रही. ऊपर का तो लिख लिया था ना? यस मैम. हाँ जी. एक ही मॉलिक्यूल है, बस दो बार लिखा है मैंने यहाँ पे. दो बार क्यों लिखा है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे राइट और रॉन्ग दोनों वाला बताओगे कि कौन सा चेन लेना आपको यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा. लिख लिया? यस मैम. ओके, देखो हमने पहला रूल यहाँ पे क्या पढ़ा. अगर आपके पास अभी तक हमने जो कंपाउंड्स किए थे उसमें क्या था, सारे सिंगल बॉन्ड्स थे. अब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे. ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. मींस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसेचुरेशन का मतलब ये होता है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेम वैसे ही मिलते जुलते रूल्स रहेंगे, बस थोड़ा बहुत है ऊपर नीचे होगा, वो याद रखना है आपको. और वो क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन. हमने पहले भी पढ़ा था कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन हमें चूज करनी है, बट ये नहीं पढ़ा था हमने कि विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स, कि हमें वही चेन यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल वाली चूज करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हो. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आना चाहिए उस पेरेंट चेन में, वो जरूरी है. तो दूसरी बात यहाँ पे याद रखने वाली क्या है कि हमने जो चेन चूज की जो हमें लगा सबसे लॉन्गेस्ट है, अगर उसमें मेरे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया तो वो हमने करेक्ट चूज नहीं किया. बेशक उसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं, बट अगर उस चेन के अंदर वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हुए तो वो सही नहीं है. इसलिए मैंने आपको ये लिखवाया है कि जो चेन हमने सिलेक्ट की है उसमें मे और मे नॉट हो भी सकता है कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन आ जाए, और जरूरी नहीं है कि हमेशा लॉन्गेस्ट वाले आए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास उसमें मल्टीपल बॉन्ड जरूर इंक्लूड हो. जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं इस तरीके से नंबरिंग करते हुए 5 तक रुक जाऊं कि मैक्सिमम 5 आ सकते हैं बस. दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, छह कार्बन वाली चेन को ले लूं. तो अगर मैं दोनों को देखूं और मेरे को सिर्फ इतना पता है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन लेनी चाहिए, तो मैं सोचूंगी दिस इज करेक्ट.
लॉन्गेस्ट लेनी चाहिए, तो इसमें 6 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं, तो मुझे लगेगा दिस इज करेक्ट, बट मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास सिस्टम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मेरे पास सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तो लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हुए उस मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना बहुत जरूरी हो जाता है, विच मीन्स फर्स्ट वन इज राइट एंड सेकेंड वन इज रॉन्ग. मतलब हम इस, मैं ये जरूरी नहीं कह रही हूँ कि वन यहीं से होगा, वो भी अभी आगे हम बात करेंगे, वन ये भी हो सकता है, बट यस ये बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए जिस चेन को ले रहे हैं वही हमारे लिए परफेक्ट है. नंबरिंग यहां से भी शुरू हो सकती है क्योंकि अभी हमने आगे के रूल्स भी पढ़ने हैं, तो ये डबल बॉन्ड जरूर लेना है जब आप लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर रहे हो तो. ठीक है, दूसरा रूल, जब हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड्स थे तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने जो सफिक्स यूज किया था वो हमारे पास सफिक्स क्या था, इन. इन यूज सफिक्स इन, यूज सफिक्स इन फॉर डबल बॉन्ड एंड आयन. आयन मीन्स वाई एन ई, आई ओ एन नहीं है, वाई एन ई, आयन फॉर ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, जब सिंगल बॉन्ड थे तब हम एन यूज कर रहे थे, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आ गए तो डबल के लिए जो सफिक्स है वो इन यूज होता है, लाइक पेंटीन, हेक्सीन, ब्यूटीन, तो डबल बॉन्ड है इसलिए इन आएगा बाद में, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास आएगा आयन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से. ठीक है, अब जो मैंने यहाँ नंबरिंग की बात की थी ना वो अब हमारे पास आ जाएगी कि हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले. पहले हम किसको प्रेफरेंस दे रहे थे कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो भाई सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोअर नंबर दो, लेकिन जब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाता है तो उस केस में हमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको लोएस्ट नंबर देना है, ये हमेशा हमारी कोशिश रहेगी. मतलब जैसे इस सिस्टम में नंबरिंग करनी थी, अगर मैं यहां से कर रही थी तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास डबल बॉन्ड कहां आ रहा था, 4 और 5, वो गलत था. मुझे कहां से नंबरिंग शुरू करनी चाहिए, मुझे नंबरिंग यहीं से शुरू करनी चाहिए, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फाइव, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पास नंबरिंग जो है वो लोअर आई, किसकी, डबल बॉन्ड. तो थर्ड रूल आप लिखिए यहां पे, द नंबरिंग ऑफ एटम्स, द नंबरिंग ऑफ एटम्स इन द पेरेंट चेन, the numbering of atoms in the parent chain is done, parent chain is done in such a way, in such a way that carbon atom containing multiple bond, carbon atom containing multiple bond will get lowest number, will get lowest number. ठीक है, आगे बात समझ. Yes. मैम, इसमें अगर जैसे सपोज हमारा वन नंबर पे डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ से वन नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है. जब आपके पास कंपैरिजन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर की प्रेफरेंस दी जाती है, वो अभी मैं लिखवाऊंगी आगे. ओके मैम, ओके, थैंक यू. नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, बस खत्म हो रहे हैं इसके रूल्स. ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स, ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी
followed after that. All the rules for naming side chain or substituents will be followed after that. ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपके पास डबल बॉन्ड को हम पहले प्रेफरेंस देंगे कि लोअर नंबर किसको मिले, डबल बॉन्ड को, अगर आपके पास कंपैरिजन है तो. और अगर आपके पास डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में कंपैरिजन है तो लोअर नंबर के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड. ये दो बातें याद रखनी है आपने, ये आपके काम आई. ठीक है, कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम नंबरिंग कहां से शुरू करें, डबल बॉन्ड से शुरू करना, डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देने की कोशिश की जाएगी. और अगर कहीं पे डबल बॉन्ड भी है और कोई सब्स्टिट्यूएंट भी है फिर भी डाउट आ जाता है कि कहां से नंबरिंग शुरू करें, तो उस केस में भी डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है, नंबरिंग डबल बॉन्ड की साइड से करनी है ताकि उसको लोअर नंबर मिले, और सब्स्टिट्यूएंट को उसके बाद करनी है. कोशिश जरूर रहती है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर मिले, लेकिन दोनों में कंपेयर करने पर डबल बॉन्ड को कम, फिर सब्सिक्वेंट को. ठीक है, सो दीज आर ऑल द रूल्स फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसके एग्जांपल हम कल की क्लास में करते हैं. बस एक बात और यहां पे ध्यान में रखिएगा, और वो क्या है कि अगर हमारे पास मान लो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए तो वहां पे हम यूज करेंगे डाईईन, तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुए तो हम यूज करेंगे ट्राईईन. मतलब ये भी वैसे ही चलेगा कि अगर दो डबल बॉन्ड है तो डाई वर्ड आ जाएगा, तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई वर्ड आ जाएगा, चार है तो टेट्रा आ जाएगा. तो ये चीज आपके पास यहाँ पे भी चलती है. मैम अगर देखो ना, चेन में अगर एक साइड से डबल बॉन्ड को थर्ड पोजीशन मिल रही है और ट्रिपल बॉन्ड को दूसरी साइड से सेकंड पोजीशन मिल रही है, उस केस में हम डबल बॉन्ड को फिर डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देंगे उस केस में. हाँ, हम देखो आप जो नंबरिंग जिस हिसाब से वो एग्जांपल्स आप कल करोगे ना, तो ये सारे डाउट्स आपके और अच्छे से मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई रहेगा नहीं. कि जब आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, हमने कोशिश ही डबल बॉन्ड को पहले देने की करनी है कि उसको लोअर नंबर मिले, हमने नंबरिंग ही उसकी साइड से करनी है, तब ट्रिपल बॉन्ड को हम अपने दिमाग में ज्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि डोमिनेंस जो है वो पहले डबल बॉन्ड के लिए रहती है. ठीक है, बाकी मैं एग्जांपल्स कल करवाऊंगी तो आपको ये जो थोड़े बहुत छोटे मोटे डाउट्स आ भी रहे हैं वो एग्जांपल्स के साथ सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सब कवर होगा. ओके, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रहे हो मैम? तो आपने अभी एग्जांपल दिया था, उसका आंसर बताएंगे. अच्छा, एग्जाम्पल जो लिखा है उसका आंसर, कोई बात नहीं, वो मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चंस करवाती हूँ, आंसर मैं आपको बता दूंगी. बट ऐसा होता है कि जिन्होंने अभी सिर्फ रूल्स पढ़े हैं, प्रॉपर अभी नहीं करे हैं, उनको वो डाउट क्रिएट कर सकता है. तो कल की क्लास में करते हैं, उसका आंसर भी बताते हैं और बाकी एग्जाम्पल्स भी करते हैं. ठीक है, ओके मैम. हाँ जी, चलिए ठीक है, ओके. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी जितने भी रूल्स करवाए हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कल की क्लास के लिए, ताकि सबके कल जो भी एग्जांपल्स होंगे फिर वो सही से हो जाए. ओके मैम. हाँ जी मैम, जो कल आपने करवाया है ना मैम, उसकी एग्जांपल्स भेज सकते हो आप मैम व्हाट्सएप पे मैम, क्योंकि मैंने वीडियो करवाया मैम. उसके एग्जांपल्स हमने आज की क्लास में तो किए मैम, एक दो भेज सकते हो आप व्हाट्सएप पे मैम, थोड़ा पता चल जाएगा. आप मतलब क्या पूछ रहे हो कि कल की क्लास में जो हमने पढ़ा उसके एग्जांपल्स कहाँ पे है? मैम आप भेज सकते हो मैम, मतलब एग्जांपल्स मैम करने के लिए क्वेश्चंस भेज सकते हो, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, इस पे मैं वही बोल रही हूँ. अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो तो मैंने बोला हुआ है आपको कि मैं आज शाम तक या कल तक जैसे भी पॉसिबल होता है, बिकॉज अभी मेरी एक और क्लास है तो मैं 8 बजे तक तो बिजी हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही मैं आपको प्रैक्टिस शीट भेज पाऊंगी, तो वो मैं डेफिनेटली भेजूंगी. ओके, हाँ जी, वेलकम. ओके, चलिए ठीक है फिर, बाय बाय एंड टेक केयर.